से काफ़ी सारे दिनों से नहीं देखा। वो ताकतवर है और अकलमंद भी। हेलो वॉल्टर, कैसे हो तुम? हेलो एब्लिगेल, कैसे हो तुम? हेलो वॉल्टर, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। एब्लिगेल, तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है। हैरानगी क्यों हुई? मैं माफ़ी चाहती हूँ तुमसे ये बात करते हुए, लेकिन मेरा भाई मुझे काफ़ी अरसे से नहीं दिखा, जॉन। तुम्हारा बेटा ठीक होगा मुझे लगता है। अगर वो बेवकूफ़ ना हुआ तो वो बिल्कुल ठीक होगा। तुम परेशान मत हो। एक बार बस जाके ढूंढ तो लो उसे, क्या पता वो तुम्हें मिल जाए। जानवर और ऑथर, तुम दोनों जाओ और एक दफा कम से कम ढूंढ तो लो। ये औरत बड़ी परेशान है इसलिए। हाँ, हमारे दो बेहतरीन लोग तुम भेजना चाहते हो। अच्छा चलो ठीक है, हम जाएंगे। ठीक है ठीक है, थैंक यू। तूफान में भेज दिए। ये वो आखिरी रास्ता है जब मैं जानता हूँ। कहाँ के लिए यार, चलते रहो। वैसे ये पहली दफा नहीं है जब इन्होंने हमारा नाजायज फायदा उठाया है। यहीं से रास्ता कंटिन्यू होता है। कितना दूर होगा? मेरे ख्याल से काफी। आहिस्ता आहिस्ता, हम स्लिप हो रहे हैं। ठीक है ठीक है, डच ने तो डच मार दी लेकिन वो फिर भी एक सच जिंदगी चीज। हाँ इतनी तेज हवाएं और ये स्नो, मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ से कुछ दे गया बन सकता है। चलो यहाँ से कुछ फेंक के देखते हैं, देखते हैं कितना ही चलता है। फालतू बातें छोड़ो और ये बताओ कि हम कितना बस पहुँचने ही वाले हैं। देखो वहाँ कुछ है। जॉन तो इसी घोड़े पर था। मदद करो मेरी मदद। कहाँ हो तुम? मदद करो। क्या तुम चोर हो इस बार? Oh, no.
zone. मैंने कभी नहीं सोचा कि ये बात मैं तुम लोगों को बोलूंगा। तुम लोग अच्छे दोस्त हो। ठीक है, तुम एक अच्छी हालत में नहीं लगते। चलो मैं ही तुम्हें उठा लेता हूं। मुझे बहुत डर लगती है आंटी। उस पागल लड़की को मत बताना कि ये इतने बुरे हैं। फिकर मत करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। वैसे तुम घोड़े पे आओगे? ठीक है, चलो तुम्हारे साथ इतनी ठंड में आने का कुछ तो फायदा हुआ। ये बेवकूफ अभी मिल तो गया। आई एम श्योर दैट इसी आदमी ने कुछ बेवकूफी की होगी। मैंने कुछ नहीं किया। सामने कोई है? हमारे के चलो पकड़ो इसे, मैं देखता हूँ। या तुमने उनको सही मारा। यस, चलो अब जल्दी चलें इससे पहले इनमें से कोई और आ जाए। जल्दी मौसम बहुत बुरा है, हमें जल्द पहुंचना है वापस। ठीक है, बस थोड़ी देर इंतजार। मेरे ख्याल से वहां और भेड़िए हैं। भेड़िए? रुक जाओ, रुको। एक को मार दिया मैंने और दूसरा भी गया। और भी आ रहे हैं। मेरे ख्याल से हम थोड़े से लकी रहे हैं। चलो कुछ पानी लेने चलते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है, इतनी ठंड में तुम्हें पानी मिल जाएगा? पानी जम चुका होगा और अब हमें अपने इलाके में चलना चाहिए। देख नहीं रहे, पानी सही है तो ले लो, लेकिन हद से ज़्यादा ठंडा पानी है। हाँ सही बोल रहे हो। ठीक है, बस तुम मेरा पीछा करो, कोई मसला नहीं। सामने जो बिल्डिंग्स देख रहे हो, बस जॉन हमने वहीं कैंप किया हुआ है, हम वहीं रह रहे हैं। ऑथर और हम कुछ घोड़े देख सकते हैं। मेरे ख्याल से ऑथर है। हेल्प करो यहाँ पर हमारी, जल्दी, हमें कुछ मदद की जरूरत है। कोई भी नहीं आ रहा यहाँ पर, जल्दी। ठीक है, हम आए। ओह माय गॉड, जल्दी आराम से जल्दी। थैंक यू आदर। थैंक्स आदर, तुमने हमारे एक पुराने दोस्त कह लिया है। आज दोस्त हम इस मुश्किल से बाहर कैसे निकले? ठीक है, जब तक ये वेदर चेंज नहीं होता तब तक हमें यहीं छुप के रहना पड़ेगा। हाँ, हम एक सिविलाइजेशन में नहीं जा सकते, तुम भी ये बात जानते हो। हाँ हाँ जानता हूँ। थैंक यू।
जब तक हम यहाँ हैं तब तक तो कम से कम इस जगह को साफ रख लो। हाँ रखेंगे, लेकिन तुम अपनी जगह को खुद साफ रखो, हम क्यों रखें। सो व्हाट, मैं तुम लोगों के इतने काम करता हूँ, कम से कम तुम मेरा कमरा ही साफ कर लिया करो। तुम अपना कमरा खुद साफ करो। ऑथर देखो, हम अपने आप को यहाँ गर्म रख रहे हैं, तुम जाओ थोड़ी सी लकड़ियाँ ही ले आओ। देखो ऑथर, अब हम कुछ अर्सा यहीं रहेंगे क्योंकि हम यहाँ सेफ हैं, हमें देखना है कि हमें कोई तकलीफ ना पहुँचाए, और यहाँ हमें कोई तकलीफ पहुँचाने वाला नहीं है, इसलिए तुम कोई फालतू हरकत मत करना, समझे हो। ठीक है। हमारा बड़ा बुरा टाइम चल रहा है, हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि ऐसे ये वक्त नहीं चलता। अब तुम कहाँ चल पड़े लड़के? हाँ तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ बस ऐसे ही कहीं जा रहा हूँ। यहाँ रहो लड़के, ताकि तुम भी सेफ रहो। अधर तुम ताकतवर हो, इसका ये मतलब नहीं कि तुम हर वक्त बाहर निकले रहो। हाँ लेकिन आप मेरे बाप भी तो नहीं जो हर बात मुझे समझाएं, लेकिन मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह ही रखा है। हाँ हाँ ठीक है, चलो मैं कुछ चीज़ें ढूंढ के लाता हूँ, खाने पीने की भी और भी कुछ सामान। ठीक है, हमारे पीछे कुछ अच्छे बंदे भेजना जो थोड़े काम के हों, समझे हो ऑथर। जी ठीक है, भेजता हूँ। चलो अब मैं भी निकलती हूँ, कुछ तो काम आए तुम भी। आप कैसा फील कर रहे हैं? मैं काफ़ी बेहतर फील कर रहा हूँ, शुक्रिया। हमें ज्वाइन नहीं करोगे? हाँ करता हूँ ऑफकोर्स, लेकिन अभी नहीं। मौली क्या तुम ठीक हो इधर? हाँ मैं तो ठीक हूँ, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं मैं अभी ठीक हूँ। ठीक है मैं जा रहा क्या आप सब ठीक हैं यहाँ पर? हाँ जी हम सब ठीक हैं, लेकिन इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। बेटा मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। आप आराम कीजिए, आप ठीक हो जाएंगी। बेटा थोड़ी सी इसकी मिल जाती तो कितना अच्छा होता ना। नहीं वो हमारे पास नहीं है, लेकिन आप गरम आग के पास बैठिए, गरम रहिए, खुश रहिए, और मेरा दिमाग मत खराब कीजिए। बेटा अगर वो होती तो मज़ा ही आ जाता। नहीं अगर नहीं है तो अब क्या हम आपके लिए लेके आए? इतनी ठंड में बाहर निकलना इज नॉट सेफ, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा, समझी? बुढ़िया विस्की भी आएगी इस उम्र में, आप अल्लाह अल्लाह करो, विस्की भी नहीं है। लेकिन ऑथर बेटा मिल जाती तो बहुत अच्छा होता ना। आंटी जी इस उम्र में पीना अच्छी बात नहीं है, समझो मेरी बात को। अच्छा तो बेटा तुम तो इतना खास कुछ खाने पीने का सामान भी नहीं लाए, हमारे पास खाने पीने का सामान भी खत्म होने वाला है,
अब क्या खाना खाना भी अच्छी बात नहीं? वो मैं ले आऊंगा, बस थोड़ा सा इंतजार करें। और ठीक ठीक बेटा, तुम कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक, बस थोड़ी ठंड है। तो आपके पास बैठो ना आंटी, इस उम्र में ऊपर जाने का क्या शौक है। और तुम ठीक? हाँ जी भाई, आप सब ठीक ठाक? आप सुनाइए। बस बर्फ पड़ रही है सख्त। चलो मैं चलता हूँ, बाय। और आंटी? अरे आप तो आंटी नहीं है, आप तो मेरी एज की हैं। आप ठीक? हाँ जी मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। इसकी तबीयत कैसी है? काफ़ी बेहतर है। तुम्हारा बहुत 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 शुक्रिया कि तुमने इसकी जान बचा ली। शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं, ये मेरा फर्ज था। कैसे हैं, अपने दिन गिन रहे हैं क्या? नहीं, टाइम पास कर रहे हैं बेटा। चलें टाइम पास करें वेले इंसान। तुम बड़े काम करते हो। हाँ बड़ी ठंड है। और भाई की हाल चाल थोड़ा ठीक है?